आप, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो फाइनली मेरा ये वाला सूट सिल गया है और ये सूट मैंने सिला है सुबह उठ के, और इस सूट के चक्कर में हम लेट भी हो गए। हम एक्चुअली कहीं जा रहे हैं फंक्शन में, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी वहीं पहुंचने के बाद कि किस चीज़ का फंक्शन है। मेरी ननद के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, मेरी ननद के इन लॉज मतलब ससुराल, तो वहीं पे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस चीज़ का फंक्शन है। और हमें घर से निकलना था 9:30-10 बजे, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। 11 हमारे को घर से निकलते निकलते बच गए, और ये गड़बड़ सारी हुई मेरे सूट के चक्कर में। पहले मैंने सिला नहीं क्योंकि मेरी तबीयत सबको जैसे आप लोगों को पता ही है कि डाउन चल रही थी 10 दिन से, लेकिन सुबह मैं सिलने बैठी हूँ और लेट हो गए हम, इस वजह से ड्राइविंग हो रही है बहुत फास्ट, तो गाड़ी बम्प कर रही है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और नेल पेंट भी नहीं लगाई है, मैंने देखो ऐसे ही जा रही हूँ मैं बिना ही नेल पेंट लगाए। तो चलिए फिर वहाँ जाके मिलते हैं। अभी हम पहले घर जाएंगे, वहाँ से जेठानी को और बच्चों को पिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। बाकी लोग वो बाकी दूसरी गाड़ियों में जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है कि पापा हमारी गाड़ी में जाते नहीं है, तो पापा और मम्मी और बाकी सब लोग अलग गाड़ी में जाएंगे, हमारे साथ बस मेरी जेठानी और बच्चे जाएंगे। तो पहले हम उनको पिक करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। और लक्की गए दादा के साथ दूसरी गाड़ी में, और इस गाड़ी में सिर्फ कनिष्का आई है, और अब इसकी मम्मी को हम बिठाएंगे दूसरी गाड़ी में से अपनी गाड़ी में, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में चली गई थी, तो बच्चे थे ना, उसने सोचा कि सब आएंगे नहीं, लेकिन आदि और लक्की दादा के साथ चले गए, तो अब उसको हम पिक करेंगे दूसरी गाड़ी में से। आगे से कहीं खड़े हैं, अभी 5 साल की थी, और तुझे क्या लगता है अभी तो फूफा को पता नहीं था तू टेंथ में? नहीं, जैसे रिजल्ट आया तो पूरे कुनू टेंथ में जल्दी जाके रिजल्ट देखो नोट आ गया उसका। मम्मी बैठी थी इतने दूर, भजन भी ना गाए, आवाज से इरिटेट हो गए, आगे तो ताई बैठी थी, ताई तो उसमें ड्राइवर के साइड में थी, ताई बैठा रखे कंडक्टर सीट में, मम्मी ताई शालू डेनू बैठे, मम्मी बोली ताऊ गला बैठ जा, मन्ना बोला कर तू मेरे को। मैं तो पहले बोल रही थी आप रुक जाओ, मैं साथ आपने माने नहीं, मैं सोची तुम 4 साल कैसे बैठोगे इसमें ऐसे ही, आगे और भी गाड़ी खड़ी है। अगर आदि लकी ने तो जाना ही था दादा के साथ, तो दादा उसमें जाते तो उस गाड़ी में जाते, दादा आगे ताऊ के साथ, लगा दादा कह रहे लकी को भेजो, मैं लकी के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मैं भी सोची दादा ने खिड़की खोल रहे थे, मैंने कहा दादा हमारे किसके जा रहे, किसके जा रहे, किसके जा रहे, लकी मुंह नहीं दिखा रहा अपना बाहर से, मैं यहां हूं, मैं उस कोने में चिपक गई, मैं कहा शायद भाई पापा भी गाड़ी में आते होंगे, पर आज यूं के भूल गए कि पीछे वाली सीट पर बैठना है। लक्की इस कोने में, चाची इस कोने में, चाची ऐसे हो रही, लक्की ये नहीं मैं बोल रही, दादा मैं इधर हूँ, और वो तो इस पे ब्लैक कलर का वो लगा था, इसीलिए तो नहीं दिखा दादा को, उस गाड़ी के जस्ट पीछे ही तो दादा गाड़ी थी, ये दादा खड़े थे, दादा ताऊ के लासे हमारे पीछे थी, वह बड़ी गाड़ी किसकी थी? वो तो उनकी है, पापा तो ताऊ के साथ है, रवि चाचू, रवि भैया, एक है ना टम्पू जाता उसमें पीछे लेडीज बैठी, हमें लगा था बलेरो थी, तो हैरी आ रही है, हाँ। अच्छा वे क्या कर रहा है, हैरी नहीं एक तो? हैरी पावे जब वो जो गाड़ी वाला है, अच्छा हरी है उसका नाम, हैरी नहीं, हैरी हरी बोलते सब, अच्छा ये वाला इजी डे ना, उजड़ा चमन है, ये रहा
ये इजी डे नहीं दिख रहा था कोई ये उजड़ का मन ये उजड़ का चमन है क्यों इसमें कोई सामान नहीं है बदबू आती है वो अलग मैं देख रही हूँ गंजा कौन है ये देख ये तो आपके घर के पास था ना मेरे घर के पास नहीं है मामा के घर के पास है ये अरे बहुत बढ़िया नहीं चाची देखो जो द्वारका वाला वो वाला अलग है द्वारका वाला अलग है गुड़गांव आ गए हम वो इजी डे अच्छा है द्वारका वाला अच्छा है उसमें सारा सामान है तो एक दिन मैं नानी के साथ आई थी कुछ भी नहीं है अरे तो मामा घर पहुंच जाएंगे दो मिनट हाँ मामा घर वाले चलो फिर खाना पीने खा के वहां से चलते हैं खाना पीछे रखा है टिफिन में खा ले और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं मेरी ननद के ससुराल। और आप देखो गुड़गांव के आसपास अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां बिल्कुल प्योर गांव का कल्चर है। भैंसे भी हैं, गाय भी हैं, खेत खलियान भी हैं और आप देख सकते हो जगह जगह गोबर भी पात्र क्या है, बिटोड़े भी हैं। तो अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा बचा हुआ है गुड़गांव के आसपास जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, जहां डेवलपमेंट का डी भी नहीं पहुंचा है। तो वहां हमारे को प्रॉपर गांव का कल्चर देखने को मिल सकता है और ये कल्चर बहुत ज़रूरी भी है कहीं हद तक, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली और चलिए अंदर चलते हैं। गाड़ी पार्क कर दी थी हमने और यहाँ ना हम पहुंच गए थे लेकिन जो मम्मी के साथ लेडीज़ आ रही थी या और जो बाकी के लोग थे वो नहीं पहुंचे थे। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो आज जो फंक्शन है वो है मेरी ननंद की जो दादी सास थी वो एक्सपायर हो गई थी, उनके काज का फंक्शन। तो यहाँ हम बाहर जो लेडीज़ और दूसरी असनाइयों की रिश्तेदारियों की आई हुई थी उन्हें ना जानते, तो इसलिए मैं और मेरी जिठानी हम अंदर ही जान लग रहे थे क्योंकि मेरी ननंद भी अंदर है और उनकी फैमिली वाले भी अंदर ही थे। तो हम दोनों भी अंदर ही जा रहे हैं और बच्चे हमारे पहले ही अंदर घुस गए, पता नहीं कहाँ भग गए। बच्चों का तो वैसे ही नहीं पता होता, बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहे हैं। बच्चा ने तो ऐसे टाइम पे चाहिए है कि हाँ भाई खेलने कूदने के लिए पूरी फैमिली के बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाए तो मज़े आ जाए। और ये बच्चे है ना उसको ननंद को पकड़ के लेके जा रहे थे बाहर, देखो ये आ गई। तो मैं बोल मैंने देख ली वो, तो मैंने कहा वो देखो बच्चे लेके जा रहे, जब इसको आवाज़ लगा के बुलाया। और ये भी मेरी ननंद, आप लोगों ने देख तो रखी है शायद, हाँ मेरे ब्लॉग में दिखाई थी मैंने। तो यहाँ पे जो काज का फंक्शन होता है उसको बहुत धूमधाम से नाच गा के मनाया जाता है। जो हरियाणा में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग होके एक्सपायर होते हैं या 100 क्रॉस करके एक्सपायर होते हैं उनके काज को, या 17 भी जो बोलते हैं उसको, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये देखो ये जो नाचने गाने वाली हैं ये हम लेके गए थे, हायर करके लेके गए थे। तो ये गाती भी खुद ही हैं, ढोलक भी बजाती हैं, नाचती भी हैं। स्टार्टिंग इन्होंने ही करी थी ढोलक से, जाते ही शुरू हो गई थी ये बिना ही चाय पानी पिए, चाय पानी भी हमने बाद में सर्व किया था। तो उसके बाद फिर जो गांव की बूढ़ी बूढ़ी दादी हैं, चाचियां लगती हैं या जिठानी लगती हैं, उन्होंने भी बहुत धमाल मचाया, बहुत नाची हैं। मैं आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। और जो इसके आगे का आने वाला ब्लॉग है वो इसी से कंटिन्यू होगा कि हमने इसके बाद क्या धमाल किया है, इसके बाद हमने क्या मस्ती की है, किस तरीके से हमने अपना दिन स्पेंड किया है आज का, कि हम आज आउटिंग पे निकले थे। तो फुल मौज मस्ती है इसके आगे वाले आने वाले ब्लॉग में भी। तो आप लोग, और ये मेरी ताई सास हैं जो अभी पिंक चुन्नी में आई थी, ये ताई सास हैं मेरी, मतलब मेरे ससुर की रियल भाभी हैं ये। तो ये भी आई हुई थी
और गाड़ी में हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, जो गाड़ी में हम बात कर रहे थे वो ही मिताई के बारे में बात कर रहे थे। और मम्मी को तो आप जानते ही हो, तो इस तरीके से जो भी नाचता है उसके ऊपर से पैसे वार के, और ये जो ढोलक बजा रही थी तो इनको दे दिया जाता है, या जो और जो होते हैं गरीब उनको दे दिए जाते हैं वो पैसे। तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, इस ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ वो ब्लॉग भी देखना मत भूलना। बहुत मेहनत करी है मैंने इसके आगे वाले ब्लॉग में भी, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, बहुत हमने इन्जॉय किया। और मैं एक बहुत अच्छी सी जगह आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ, वो आप ब्लॉग देखोगे तभी पता चलेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको बता रही उसके बारे में। और अब ये देखो, ये गांव की औरतों ने धूम मचानी शुरू कर दी है, ये मेरे ससुराल की लेडीज़ हैं सारी की सारी। तो चलिए आप भजन और डांस एंजॉय कीजिए, नहीं तो मैं बोलती रहूँगी तो आप लोगों को भजन नहीं सुनाई देंगे। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर देना। और इसके आगे वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखना, बहुत इन्जॉयफुल, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप लोग, बहुत मेहनत से बनाया है ब्लॉग। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो।
है।